ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन चल रहा था बेटा, तो मैं आपको पढ़ा रहा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ LiLH4, है ना। मैंने आपको पता, एडिशन ऑफ HCN करा दिया था, एडिशन ऑफ वाटर करा दिया था, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड करा दिया था, एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट करा दिया था, ठीक है, और एडिशन ऑफ LiLH4 और NaBH4 चल रहा था, ठीक है। एडिशन ऑफ LiAlH4 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, एडिशन ऑफ LiAlH4। तो मैंने एडिशन ऑफ LiAlH4 में आपको बताया था कि अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन आप LiAlH4 से कराओगे तो रिडक्शन हो जाता है ये OH, H और H, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म आपको मैंने बता दी थी, मैकेनिज्म पहले LiLH4 से H माइनस आयन, है ना, LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4 इट इज अ सोर्स ऑफ H माइनस आयन। तो बेटा H माइनस आयन कार्बोनिल कार्बन पर जाकर अटैक करेगा, तो ये बनेगा RO- H और H, ठीक है। इसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो ओ माइनस की जगह क्या आ जाता है, H2O से रिएक्शन कराओगे इसकी वाटर से, तो RCOH H और H, ये है ना, हमने कर लिया था पिछली क्लास में। ऐसे ही अगर हम देखो ध्यान से, RCHO अगर हम LiAlD4 से कराते हैं, ठीक है, LiAlD4 से कराते हैं, तो बनाओ मेरे साथ साथ, तो क्या बनेगा बेटा, RCO- HD, फिर H2O से पास कराएंगे तो RCOH H और D, और क्या मिलेगा, रैसिमिक मिक्सचर। देखो ध्यान रखो, गिविन नहीं होता H2O साथ में, गिविन नहीं होता, पर अंडरस्टूड है कि H2O है साथ में, है ना, H2O साथ में है, तो आपको बताना है कि कौन सा H कहां से आ रहा है। देखो एक बार ध्यान से, अब ये D कहां से आ रहा है, LiAlD4 से, और H कहां से आ रहा है, वाटर से। अब sp2 पर D- आयन जाकर अटैक कर रहा है, देखो कभी भी sp2 कार्बन से sp3 बनता है और वो कायरल बनता है, तो दोनों फॉर्म मिलती हैं, डी फॉर्म भी और एल फॉर्म भी, तो क्या मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर, क्योंकि sp2 कार्बन से फ्रंट पे भी अटैक करता है, ये बैक साइड से भी अटैक करता है। तो मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं कि कभी भी अगर sp2 कार्बन पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और sp3 बनता है, ठीक है, sp3 बनता है, तो डी फॉर्म भी बनेगी और एल फॉर्म भी, तो क्या मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। तो ये एल्डिहाइड को भी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, ये कीटोन को भी, लिखते जाओ, ये कीटोन को भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। बस ध्यान रखना, ये वाला हाइड्रोजन कहां से आएगा, LiLH4 से, ये हाइड्रोजन कहां से आएगा, सॉल्वेंट से, ठीक है। और ये एसिड क्लोराइड को भी RCH2H में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये एस्टर को भी रिड्यूस कर देता है अल्कोहल में, +CH3OH, है ना। चलो इसकी मैकेनिज्म लिख के देखो एक बार, एस्टर की मैकेनिज्म लिखो, मुझसे पहले लिखो एस्टर की मैकेनिज्म, एस्टर को कैसे रिड्यूस कर रहा है। देखो एस्टर में होती है एडिशन एलिमिनेशन, लिखो साथ साथ मेरे, RCO OCH3। अगर इसकी रिएक्शन आप LiLH4 से कराओगे तो मैकेनिज्म क्या है बेटा, H माइनस आयन ये जाकर C पर अटैक करेगा, RCO- OCH3 और H, ठीक है। आपको बताया हुआ है ये क्या होता है, ये लीव कर जाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा OCH3, ये लीव करेगा, तो R CHO बन गया,
प्लस सी एच थ्री ओ माइनस, है ना। इसमें क्या होता है, ये रिएक्शन एडिशन एलिमिनेशन है लीविंग ग्रुप की वजह से। फिर एल आई एल एच फोर एच माइनस आयन इस पर अटैक करेगा, क्या बनेगा आर सी ओ माइनस एच और एच, और साथ में सी एच थ्री ओ माइनस आयन तो है, अब वाटर से पास करा दोगे तो क्या हो जाएगा आर सी एच टू ओ एच प्लस सी एच थ्री ओ एच, है ना। तो याद करो अभी Li LH4 एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर रहा है, कीटोन को भी अल्कोहल में रिड्यूस कर रहा है, एस्टर को भी अल्कोहल में रिड्यूस कर रहा है, एसिड क्लोराइड को भी अल्कोहल में रिड्यूस कर रहा है, लेकिन NaBH4 रिड्यूस नहीं कर रहा था एस्टर को। NaBH4 इज नॉट अ बेटर हाइड्राइड डोनर, Li LH4 बेटर हाइड्राइड डोनर होता है, NaBH4 से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, है ना, मेरे साथ साथ याद करो। तो देखो ध्यान रखो एस्टर में क्या कर रहा है, यहां से ब्रेक कर दो इसका भी और रिडक्शन, इसका भी रिडक्शन, यहां तो एच आ जाएगा इसका रिडक्शन हो जाएगा। अब एग्जाम में पूरी मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है, पर मैकेनिज्म से याद रहेगा आपको कि कैसे रिड्यूस हुआ है, ठीक है। चलो आगे देखो, ठीक है, ये बेटा एसिड को भी रिड्यूस करता है आर सी ओ एच, एसिड को भी एल आई एल एच फोर आर सी एच टू ओ एच में कन्वर्ट कर देता है, एसिड को भी ये आर सी एच टू ओ एच में कन्वर्ट कर देता है एल आई एल एच फोर, एन ए बी एच फोर नहीं कर पाता एल आई एल एच फोर, और ये एनहाइड्राइड को भी कन्वर्ट करता है, आर सी एच टू ओ एच में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, और ये आर सी एन को भी आर सी एच टू एन एच टू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब कुछ की मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, आर एनओ टू इसको भी एनओ टू को एन एच टू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अभी किसी ने कुछ पूछा है ओ सी एच थ्री, मैं देख लेता हूं, ओ सी एच थ्री लीव क्यों कर गया, वो तो पुअर लिविंग ग्रुप है। देख बेटा जब H माइनस आयन लगेगा, ठीक है, H माइनस आयन तो लीव नहीं करेगा, H माइनस आयन उससे भी ज्यादा पुअर लिविंग ग्रुप है, पर जो C डबल बॉन्ड O बनता है ना, C डबल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, तो O CO बॉन्ड बनने के लिए O CH3 को लीव करना पड़ता है, ठीक है। क्या कह रहे हो राइट वाली रिएक्शन, देखो आर सी एन आर सी एच टू एन एच टू, एनओ टू को भी ये एन एच टू में कन्वर्ट करता है, NO2 को भी ये NH2 में कन्वर्ट करेगा, सर एमाइड को, हाँ लिखते हैं अभी एमाइड को, देखो अब ये ध्यान रखना RCONH2 ये एकदम अलग हटके है, RCO को CH2 में कन्वर्ट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये CO देखो ध्यान रखो CO, अगर एल्डिहाइड कीटोन का CO है, एस्टर का CO है, सब में अल्कोहल बन रहा है, लेकिन अगर एमाइड है आर सी ओ एन एच टू अमाइड है, तो ये सीओ सी एच टू में कन्वर्ट हो जाता है, ये सीओ सी एन क्लिमेंशन नहीं है बेटा, ये क्लिमेंशन तो एल्डिहाइड और कीटोन को सी एच टू में कन्वर्ट करता है, कंफ्यूज मत हो, ठीक है, ये अमाइड के सीओ को सी एच टू में कन्वर्ट करता है, इसको क्लिमेंशन थोड़ा बोलेंगे, क्लिमेंशन रिडक्शन में क्या होता है जेड एन एच जी एच सी एल, एल्डिहाइड कीटोन के सीओ को सी एच टू में कन्वर्ट करता है क्लिमेंशन रिडक्शन, याद हो गया होगा, ये क्लिमेंशन नहीं है, ये एल आई एल एच फोर का काम है, ये देखो एल आई एल एच फोर एमाइड के सीओ को सी एच टू में कन्वर्ट करता है, हाँ इसकी मैकेनिज्म बताता हूं मैं, देखो मैकेनिज्म करते हैं इसकी, करो मेरे साथ साथ, इसमें देखो क्या डिफरेंस आएगा, मैकेनिज्म करते हैं इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है याद कर लो, इसकी मैकेनिज्म भी करते हैं, राइट साइड वाली रिएक्शन सिर्फ एल आई एल एच फोर एन ए बी एच फोर नहीं कर सकता, हाँ एन ए बी एच फोर नहीं करता बेटा, देखो ये जो ये रिएक्शन है ना, ये सारी रिएक्शन ये एन ए बी एच फोर नहीं करेगा, ये एल आई एल एच फोर करता है, मैंने आपको लिखा दिया है एन ए बी एच फोर एल्डिहाइड को एल्कोहल में, कीटोन को एल्कोहल में,
एसिड क्लोराइड को एल्कोहल में, इसके अलावा नहीं लिखाया था मैंने कोई भी, है ना, NaBH4 नहीं करेगा। अब इसकी मैकेनिज्म देखो, आर सी ओ एन एच एच, देखो एल आई ए एल एच फोर, साथ साथ करने की कोशिश करो। देखो एल आई एल एच फोर क्या है बेटा, एच माइनस आयन, ये न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ अच्छा बेस भी है, ये न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ अच्छा बेस भी है, बता दूंगा एक एक करके मैकेनिज्म देखो, ये न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ अच्छा बेस भी है। तो एच माइनस आयन क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को हटाएगा, एन से अटैच हाइड्रोजन भी तो है। आप देखो एल्डिहाइड और कीटोन में एन नहीं था, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन यहां पर है, तो एच माइनस आयन यहां से एच प्लस हटाएगा और ये बनेगा आर, बनाओ साथ साथ मेरे, सी ओ एन एच माइनस, एन एच माइनस करो, बनाओ ट्राई करो साथ साथ, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, देखो ये इधर और ये इधर जाएगा, तो ये बनेगा R सी ओ माइनस एन एच और ये ए एल एच थ्री। भाई एल आई एल एच फोर कैसे लिख सकते हो आप, एल आई प्लस ए एल एच फोर माइनस, है ना, एच ए एल एच थ्री माइनस, तो एच माइनस आयन निकलना होता है, एच माइनस आयन निकलेगा यहां से, एच माइनस आयन ने एच प्लस को हटा दिया, सुनते ना ध्यान से, एच प्लस को क्यों हटाया, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हाइड्रोजन है, ये बेटा ज्यादा एसिडिक है, तो एच माइनस ने एच प्लस को हटा लिया, बचा क्या ए एल एच थ्री, वो जाके और ऊपर लग गया, ऊपर ए एल एच थ्री लग गया, यहां पर माइनस आ गया, ठीक है। देखो ध्यान से अच्छे से, इसके बाद क्या होगा, AlH3 का फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन AlH3 में कितने हैं बेटा, तीन तीन है, है ना, देखो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, R, करना ध्यान से, देखो साथ साथ याद हो जाएगा ये, Al H H H, है ना, Al ने भाई H माइनस हट गया था, AlH3 हो गया था, AlH3 ने फिर इससे इलेक्ट्रॉन ले लिए O माइनस से, ये बन गया, अब ये नया हाइड्राइड डोनर बन गया, ये अब H माइनस आयन यहां से निकलेगा और ये H माइनस आयन बेटा यहां पर जाकर अटैक कर जाएगा C डबल बॉन्ड पर, देख लो ध्यान से, ये तो क्या बनेगा, ये R C O A L H2, देखो ध्यान से, इधर H आ गया, इधर NH माइनस, NH माइनस आ गया, ठीक है, देखो एक बार क्लियर करो अच्छे से, एनएच माइनस आ गया। इसके बाद क्या होगा, देखो ओ एल एच टू, इतना नोट करो, समझो एक बार प्रॉपर ध्यान से, हो गया। अब देखो ये बॉन्ड बनाएगा सी डबल बॉन्ड एन और ये निकलेगा ए एल एच टू ओ माइनस, ठीक है। अब ये इसके साथ लीव, देखो जब ओ माइनस आएगा तो ए एल के साथ पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होगी, ठीक है, तो ये लीव करेगा, तो ये बनेगा R C डबल बॉन्ड NH और H, इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखो Li AlH4 तो पड़ा हुआ है, फिर H माइनस आयन अटैक करेगा यहां पर, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो ये बनेगा बेटा R CH2 NH माइनस, अब वाटर से पास करा दो इसको, तो ये बन गया आर सी एच टू एन एच टू। बोलो क्लियर हुई है मैकेनिज्म, देखो ध्यान से, यस और नो, क्लियर हुई बेटा। चलो एक बार फिर इसको अपने आप प्रॉपर नोट करना अच्छे से। अब देखो समझ में आया, डिफरेंस आया समझ में, चलो सुनो, ठीक है, यस आ गया सबका, अब डिफरेंस समझ में आया, जब ये अमाइड है तो सीओ सी एच टू में कन्वर्ट हो रहा है, जब ये अमाइड है तो सी एन COCH2 में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन बाकी सब में CO किस में कन्वर्ट हो रहा है, CHOH में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। चलो सूर्य प्रताप बोल रहा है एक बार रिपीट कर दो, मैं दोबारा एक बार फिर बता रहा हूं आपको, देखो LiLH4 H- है, यहां से H+ निकाल ले गए, क्योंकि N से अटैच हाइड्रोजन बाकी किसी में नहीं था, H2 निकल गया, हाइड्रोजन गैस निकली होगी इसमें, माइनस H2। इसके बाद देखो यहां N- आ गया, इसने रेजोनेंस किया तो ये O- O- में क्या आ गया, AlH3, AlH4 में से H+ निकला था। इसके बाद क्या होगा, देखो ये नया हाइड्राइड डोनर बन गया, ये माइनस आया ना,
यहां से H माइनस एन निकलेगा, वो जाके यहां पर अटैक कर जाएगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है H माइनस एन, ठीक है। इसके बाद N माइनस एन, देखो यहां पर जब ये अटैक किया है तो बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, यहां माइनस आया, अब ये बॉन्ड बनाएगा तो ये निकलेगा, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। O माइनस आएगा तो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होगी, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये निकल गया, ये निकल गया तो ये आ गया। अब H माइनस एन फिर जाके C पर अटैक करेगा, ये बन जाएगा। अब किसी ने मुझसे कहा कि सर CN की मैकेनिज्म भी तो बता दो, भाई CN की मैकेनिज्म तो बिल्कुल सिंपल है, H माइनस एन अटैक कहां करेगा, C पर, बॉन्ड देयर टूटेगा, N माइनस आ जाएगा, N माइनस से वाटर पे, वाटर से H दे दो, ठीक बात है ना, इसकी मैकेनिज्म सिंपल है। चलो कर लेते हैं एक बार इसकी मैकेनिज्म भी। अब देखो जैसे आर सी एन की मैकेनिज्म पूछ रहे हो आप, तो भाई एल आई एल एच फोर एच माइनस आयन है, एच माइनस आयन सी पर अटैक करेगा, आर सी एच डबल बॉन्ड एन एच माइनस आयन, एन एच माइनस आयन पर वाटर से क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। इसके बाद फिर क्या होगा, फिर एल आई एल एच फोर से एच माइनस आयन जाके सी पर अटैक करेगा, तो क्या बनेगा बेटा, आर सी एच टू NH माइनस, फिर ये वाटर से R CH2 NH2 बन गया, R CH2 NH2, ठीक है। चलो आगे देखो, अब Li AlH4 लर्न करो। देखो NaBH4 किस किस को रिड्यूस कर रहा है, एल्डिहाइड को एल्कोहल में, कीटोन को एल्कोहल में, एसिड क्लोराइड को एल्कोहल में, और प्राइमरी हैलाइड को रिड्यूस नहीं करता है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड को SN2 रिएक्शन कर देता है, याद करो H माइनस एन Cl को हटा देगा, एल्केन बना देगा, टर्शियरी हैलाइड को भी रिड्यूस कर देता है NaBH4। अब LiLH4 के बारे में, LiLH4 प्राइमरी हैलाइड को रिड्यूस करता है, प्राइमरी हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट करेगा, सेकेंडरी हैलाइड को भी रिड्यूस करेगा एल्केन में, पर टर्शियरी में क्या करता था, एलिमिनेशन, है ना। दूसरा LiLH4 एल्डिहाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट करता है, कीटोन को एल्कोहल में कन्वर्ट करता है, एसिड को भी एल्कोहल में कन्वर्ट करता है, एस्टर को भी एल्कोहल में कन्वर्ट करता है, पर अमाइड को अमाइन में, आर सी ओ एन एच टू को किस में कन्वर्ट कर रहा है, अमाइन में, पूरी मैकेनिज्म बता दी है, साइनाइड को सी एच टू एन एच टू में अमाइन में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अगर आपको यह भी मिल गया आर एन एच आर एन डबल बॉन्ड और सी एच टू, ठीक है, आर सी एन, इसकी रिएक्शन आपने एल आई एल एच फोर से करा दी, तो ये भी आर एन एच सी एच थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको भी रिड्यूस करेगा, ठीक है, एन सी एच टू, इसको आर एन एच सी एच थ्री में कन्वर्ट कर देगा, है ना, सेकेंडरी अमाइन बना देगा। और देखो अगर डबल बॉन्ड है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, बताओ इसमें रिड्यूस करेगा नहीं करेगा, ये सी डबल बॉन्ड सी को रिड्यूस करेगा या नहीं करेगा, यस और नो लिखो, सी ट्रिपल बॉन्ड सी को रिड्यूस करेगा नहीं करेगा, हाँ नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि भाई एच माइनस है ना, ये तो पहले से निकली फाइल है, इन पर अटैक नहीं करेगा, बिल्कुल सी बात है, इनको रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, सुनो, जैसे अगर ये आ गया, अब देखो कंपैरिजन देखो, ये है सी एच डबल बॉन्ड सी एच और सी एच ओ, अगर इसकी रिएक्शन मैं एन ए बी एच फोर से कराता हूं तो एन ए बी एच फोर डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता लेकिन सी एच ओ को रिड्यूस कर देता है सी एच टू ओ एच में, इसको रिड्यूस क्यों नहीं करेगा बेटा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है पहले से ही, एल आई एल एच फोर क्या करता है, एच माइनस एन देता है, और एच माइनस एन इस पर कहां अटैक कर जाएगा, कहां पर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, यहां कहां इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है ही नहीं कहीं भी, इसलिए रिड्यूस एल आई एल एच फोर या एन ए बी एच फोर एल्कीन और एल्काइन्स को रिड्यूस नहीं करते हैं, है ना, नहीं तो मैकेनिज्म का क्या फायदा, इतनी मैकेनिज्म बताइए आपको मैंने। अब आप देखो ये एन ए बी एच फोर है, एन ए बी एच फोर डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा पर CO को CH2OH में कन्वर्ट कर देगा। पार्शियल चार्ज कहां से हो जाएगा, ये तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अब देखो ये चाहे एक्सेप्शन की तरह याद रखो इसको,
अगर डबल बॉन्ड बेंजीन के साथ रेजोनेंस में होगा और साथ में CHO, ये ध्यान रखना, इसकी रिएक्शन आप LiLH4 से कराते हो तो LiLH4 डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है और C डबल बॉन्डो को भी रिड्यूस कर देता है। इसको लिख लेना, LiLH4 डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है और CO को CH2OH में कन्वर्ट कर देता है। जब भी डबल बॉन्ड बेंजीन के साथ रेजोनेंस में होगा, ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O को भी रिड्यूस करेगा, LiLH4 वो तो करता ही है, लेकिन डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है, इसको नोट कर लो, लेकिन NaBH4 नहीं कर पाता है। हाँ, अलग से डबल बॉन्ड हो उसको रिड्यूस नहीं करेगा, जो डबल बॉन्ड CO और बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में होगा उसको LiLH4 रिड्यूस कर देता है, NaBH4 में डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, है ना, लिख लेना, डबल बॉन्ड रह जाएगा। अच्छा ये बताओ, करके दिखाओ, NaBH4 क्या बनाएगा और LiLH4 क्या बनाएगा, ठीक है, और H2Ni, देखो ध्यान रखना, RCOH और RCONH2, इनको H2Ni रिड्यूस नहीं करता है, H2Ni रिड्यूस नहीं करता है, नोट कर लेना, RCOR, RCOH, RCONH2 को H2Ni रिड्यूस नहीं करता है, एल्डिहाइड को, कीटोन को, डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है H2Ni, वो तो हमने लाइफ में ही पढ़ा हुआ है, पढ़ते आ रहे हैं H2Ni, H2Ni रहने निकल, डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है, ट्रिपल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है ना, और एल्डिहाइड कीटोन को भी रिड्यूस कर देता है अल्कोहल में, लेकिन इनको रिड्यूस नहीं कर पाता है, न एस्टर को, न एसिड को, न ही एमाइड को, इनको रिड्यूस H2Ni, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, इसको रिड्यूस नहीं कर पाता है, ठीक है। अच्छा NaBH4 क्या करेगा, पहले वाले में कुछ नहीं करने का क्योंकि एस्टर है, पर LiAlH4, अच्छा H2Ni भी नहीं करेगा, पर LiAlH4 इसको रिड्यूस कर देता है। देखो कैसे करेगा, मैकेनिज्म देख लो एक बार फिर से, वैसे तो कर रखी है हमने, ये H-ion जाकर C पर अटैक करेगा, देखो ध्यान से, H-ion ये C पर अटैक करेगा, बॉन्ड टूटेगा O-, अब जैसे ही ये बॉन्ड बनाएगा और ये निकल लेगा, देखो ध्यान से, ये बॉन्ड बनाएगा, ये निकल लेगा, तो क्या बनेगा, H O-, है ना, इसके बाद वाटर से O- पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, फिर LiLH4 क्या करेगा, H-ion कार्बोनिल कार्बन पर जाकर लग जाएगा, तो कार्बन कार्बन लगेगा, क्या बनेगा, CO- H, ये कार्बन 2, 3, 4, अब फिर O- पे क्या आ जाएगा, H, तो देखो बॉन्ड तोड़कर इसका भी रिडक्शन OH और इसका भी OH बना दो, बन गई प्रोडक्ट, क्लियर है, पर एस्टर है, एस्टर को NaBH4 और H2Ni रिड्यूस नहीं करते हैं, नोट करो एक बार, देखो ये बताओ, RCONHCH3 LiAlH4 क्या बनेगा, बनाओ साथ साथ मेरे, इसके बाद ये CONH LiAlH4 थर्ड LiAlH4 NaBH4 बनाओ, थर्ड 4 COOH C डबल बॉन्ड O
और ये हमने यहाँ पर CO लगा दिया, इसकी रिएक्शन NaBH4 और LiAlH4। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगी जल्दी। इसके बाद 5NH LiAlH4। देखो इतने एग्जाम्पल कराने का रीज़न क्या है, है ना, कि आपको क्लास के साथ साथ इन रिएजेंट की वर्किंग लर्न हो जाए। मैकेनिज्म तो सारी बताई दी है ना, पर लर्न हो जाए कि NaBH4 किसको रिड्यूस करता है किसको नहीं करता है। ठीक है, जब हम ज़्यादा एग्जाम्पल करते हैं तो लर्न हो जाती है, अगर ध्यान से करते हैं तो। चलो करके दिखाओ, ठीक है, क्या बनेगा करें। देखो फर्स्ट में मैंने आपको बता दिया, अगर अमाइड होगा CON के बगल में होगा तो LiAlH4 CO को CH2 में कन्वर्ट कर देगा, CH2 NH और CH3। NaBH4 तो इसको रिड्यूस नहीं कर पाता है। ठीक है, देखो ध्यान रख लो, LiAlH4 LDH के एल्कोहल में कीटोन को, एल्कोहल में एस्टर को, एल्कोहल में एसिड को, एल्कोहल में, पर अमाइड को, ये अमाइड है, अमाइड को अमाइन में, है ना, अमाइन में। अब यहां देखो ये क्या है, साइक्लिक अमाइड है, इसको लैक्टम बोलते हैं, लैक्टम LeCTM लैक्टम। इसको भी क्या कर देगा, CO को CH2 में कन्वर्ट कर देगा क्योंकि CO N के बगल में है, तो भाई ये आ गया। ठीक है, ऐसे तो करते हैं कंपटीशन में भाई, NCERT में LiAlH4 दे रखा है और सारी वर्किंग दे रखी है, बस कंपटीशन में क्या करेंगे, अजीब से स्ट्रक्चर बना देंगे। अरे कंसेप्ट तो वही रहना है। अब इन्होंने क्या कर दिया, अमाइड को साइक्लिक अमाइड बना दिया, तो हमें तो पता है CO को CH2 में कन्वर्ट करता है, कर दिया इसने। अब देखो यहां पर साइक्लिक एस्टर है तो LiAlH4 एस्टर को रिड्यूस करता है पर NaBH4 नहीं करता है, LiAlH4 कीटोन को रिड्यूस करता है पर NaBH4 नहीं करता है, तो क्या बनेगा भाई, OH बना लो, साथ साथ बना ही लिया होगा आप लोगों ने, ये OH और ये भी OH, कीटोन को रिड्यूस करेगा एस्टर को भी, पर NaBH4 की हिम्मत नहीं है कि इसको रिड्यूस कर पाए, तो एज इट इज रह जाएगा, पर कीटोन को एल्कोहल में NaBH4 रिड्यूस कर देता है। नोट कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो भाई NaBH4 एसिड को रिड्यूस नहीं करेगा, एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करेगा, तो NaBH4 के साथ क्या बन जाएगा, NaBH4 के साथ बना लो, ये एज इट इज एस्टर, ये एल्कोहल में कन्वर्ट और ये एज इट इज, है ना, लेकिन LiAlH4 क्या करेगा, ये तो भाई रिड्यूस कर डालेगा, इसको भी कन्वर्ट कर देगा, इसको भी कन्वर्ट कर देगा, इसको भी और इसको भी कन्वर्ट कर देगा, है ना, ये बनाया। अब देखो लर्न हो जाना चाहिए यार आप लोगों को। अब इसमें देखो LiAlH4 CO को किस में कन्वर्ट कर देगा, CH2 में कन्वर्ट कर देगा NH, और कीटोन को भी रिड्यूस कर देगा, पर NaBH4 अमाइड को रिड्यूस नहीं कर पाता है, अब तो लर्न हो चुका होगा, अमाइड को रिड्यूस नहीं कर पाता है पर कीटोन को एल्कोहल में रिड्यूस कर देता है, है ना। नोट करो, देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना, मैंने RNO2 को RNH2 में कन्वर्ट कराया है, ठीक है, RNO2 को RNH2 में कन्वर्ट कराता है, अगर R एल्काइल है, अगर R बेंजीन होता है, ठीक है, R बेंजीन होता है तो LiAlH4 सुनना ध्यान से, इसको एजो कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, एन डबल बॉन्ड एन, इसमें ये नोट कर लेना, ठीक है, इसके मैकेनिज्म नहीं पता मुझे, आप लोग बताओगे, अगर H, ठीक है, ये ध्यान रखो R अगर एल्काइल ग्रुप है तो NO2 NH2 में कन्वर्ट होगा, अगर R बेंजीन है तो ये बनता है एजो कंपाउंड, ये ध्यान रखना एजो कंपाउंड। हाँ
अगर मैंने पहले ये कराया था आपको, लेकिन इसको सही कर लेना, अगर इसको हमें एनएच टू में कन्वर्ट करना है तो आप SnHCl, ठीक है, SnHCl, ये पहला, सेकेंड OH माइनस एन लेना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर जगह ना SnHCl लिखा होगा, आप एनएच टू बना दोगे, पर रियल में पहले क्या बनेगा, सुन लो ध्यान से, पहले NH3+Cl माइनस एन, एनिलीनियम क्लोराइड, उसके बाद बेस से रिएक्शन कराने के बाद NH2। सुनो ध्यान से, अगर क्वेश्चन दे रखा हो कि हम नाइट्रोबेंजीन की बिना उसकी रिएक्शन SnHCl से करा रहे हैं, ऑप्शन में एनिलीन भी है, ऑप्शन में एनिलीनियम क्लोराइड भी है, तो आंसर एनिलीनियम क्लोराइड लिखोगे, पर जनरली SnHCl लिखा होता है तो हम एनिलीन कर देते हैं, अंडरस्टूड है कि बाद में OH से पास कराया होगा, ठीक है, लेकिन पहले क्या बनेगा, एनिलीनियम क्लोराइड, फिर क्या बनेगा, NH2। समझ में आई बात, जनरली हम SnHCl लेते हैं, NH2 लिख देते हैं, पर स्पेसिफाई कर दिया, क्वेश्चन दे दिया, ऑप्शन में एनिलीनियम क्लोराइड भी है, ऑप्शन में एनिलीन भी है, तो आप एनिलीनियम क्लोराइड लिखोगे, हाँ, बेस से पास कराने के बाद क्या बनेगा, एनिलीन, चाहे SnHCl हो या FeHCl हो, बाद में OH माइनस एन, तो NO2 किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, NH2 में, लेकिन अगर बेंजीन के साथ NO2 है तो LLH4 किस में कन्वर्ट करेगा, एजो में, RNO2 है तो RNH2 में, ये तो चाहे LLH4 हो, ठीक है, चाहे NaC2H5OH, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है, चाहे SnHCl हो, ठीक है, NO2 को NH2 में कन्वर्ट करेगा, है ना, बहुत सारे हो गए, कंफ्यूजन होगा, लास्ट में जब से ये खत्म हो जाएगी ऑर्गेनिक तो हम एक साथ लिख लेंगे सबको, ठीक है, और जो जो एक्सेप्शन है उनको डिब्बे में बंद कर लेंगे ताकि याद रह जाए, ठीक है, चलो अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट जो आता रहता है बीच बीच में एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट जो हम LiAlH4 के साथ पढ़ेंगे, जैसे देखो LiAlH4 क्या कर रहा है, एस्टर को एल्कोहल में कन्वर्ट करता है, एस्टर को एल्कोहल में कन्वर्ट करता है, ठीक है, दोबारा सुनो, LiAlH4 एस्टर को एल्कोहल में कन्वर्ट करता है, लेकिन अगर हमें एस्टर को एल्डिहाइड तक रोकना है तो हम लेते हैं डाइवाल एच, लिखो, हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, डाइवाल एच, इसका लिखो, क्या बोलते हैं इसको, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, नोट करो, डाइवाल हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, CH3 का होल ट्वाइस, AlH, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये ट्वाइस AlH, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, शॉर्ट फॉर्म डाइबाल एच, ठीक है, ये भी हाइड्राइड डोनर होता है, लेकिन ये दोनों से, ये आपका LiAlH4 से वीक होता है, अगर एस्टर की रिएक्शन लिख लो साथ साथ, RCH2COOR है, अगर इसकी रिएक्शन आप डाइबाल एच, ठीक है, -78°C टेम्परेचर कम लेना पड़ेगा, -78°, तो RCH2CHO एल्डिहाइड बन जाता है, याद करो बेटा, एस्टर से एल्डिहाइड बनाना है, ठीक है, तब हम क्या लेंगे, डाइवाल हाइड्राइड लेंगे, -78°C, ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल हाइड्राइड, क्यों, देखो एच LiAlH4 में हाइड्राइड ज्यादा थे, हमने हाइड्राइड कम कर दिए,
ठीक है, हाइड्राइड हमने कम कर दिए तो रिड्यूसिंग पावर भी कम हो गई। क्लियर है? एलआई एनएच फोर में क्या थे, एच ज्यादा थे, चार एच थे, अब हमने एच की जगह क्या करा दिए, एल्काइल ग्रुप लगा दिए, तो इससे क्या हो गई, इसकी रिड्यूसिंग पावर कम हो गई और ये एस्टर को सिर्फ एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर पाएगा। लेकिन अगर यहां पर एलआई एनएच फोर होता तो एस्टर किस में कन्वर्ट होता है बेटा, एल्कोहल में कन्वर्ट होता है, लर्न हो जाना चाहिए। अब इसके साथ साथ देखो ये दो, इन दोनों को ध्यान रखना है, बस आपको ये काफी एग्जाम में मिलेगा, आर सी एच ओ। सुनो, डाइवाइल हाइड्राइड एस्टर को एल्डिहाइड, साइनाइड को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है ना, याद करो। और आप एक चीज और देखो, एक और हमने रिएजेंट पढ़ा था जो साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, आरसीएन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, कौन सा, स्टीफन्स रिडक्शन, स्टीफन्स रिडक्शन, है ना, याद करो स्टीफन रिडक्शन, मैंने करा दिया आपको, स्टीफन्स रिडक्शन साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट, रिडक्शन ही हो रहा है, देखना कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है ना कम हो रहा है, तो ये एक साथ लिख लो, याद रह जाएगा, ठीक है, एक साथ नोट कर लो, CN को CHO में कन्वर्ट, डाइवाइल हाइड्राइड भी करता है और CN को CHO में कन्वर्ट, स्टीफन्स रिडक्शन भी, SnCl to HCl, याद करो मैं लिखवाया था आपको, SnCl to HCl और बाद में करा देते हैं हाइड्रोलिसिस। क्लियर है, लर्न हो गया? सर ये NaBH4 से भी वीक हाइड्राइड डोनर होता है क्या? देखो NaBH4 तो एस्टर को रिड्यूस ही नहीं कर पा रहा था, पर ये एस्टर को एल्डिहाइड में तो कन्वर्ट कर रहा है, ये LiLH4 से कम होता है, ठीक है, LiLH4 की रिड्यूसिंग पावर कम करनी हो तो उसकी जगह एच हटाकर ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया, पर NaBH4 से तो ज्यादा होगा, NaBH4 से ज्यादा होगा। तो ये सारे रिएजेंट हो गए जो आपको लर्न हो गए होंगे, हमने कई सारे एग्जाम्पल कर लिए हैं बेटा इसके, ठीक है, चलो आगे लिखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में लिखो एडिशन ऑफ एल्कोहल, ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है, एडिशन ऑफ एल्कोहल टू कार्बोनिल कंपाउंड, देखो आर सी एच ओ प्लस आर डैश ओ एच, समझो ध्यान से इसको, अब मान लीजिए वीक है, ये इट इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, तो हमें क्या लेना पड़ेगा बेटा, एसिड लेना पड़ेगा, हमने एसिड लिया तो क्या बनेगा, ये आर सी ओ एच, एच और ओ आर डैश, इसको बोलेंगे हेमी एसिटल, हेमी एसिटल, सुनो ध्यान से, ये अल्कोहल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, हम एसिड लेंगे तो H प्लस आयन O पे लगेगा, है ना, मैकेनिज्म देखो इसकी, R C डबल बॉन्ड O H प्लस H, अब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई H लगने से, अब ये वीक न्यूक्लियोफाइल भी होगा तब भी आसानी से अटैक कर जाएगा, तब भी आसानी से अटैक करेगा, ये जाकर यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर टूट जाएगा, तो ये बनेगा आर सी ओ एच एच ओ आर डैश एच प्लस, है ना, अब ये एच प्लस आई निकल लेगा, ये तो कैटलिस्ट है, एच प्लस आई निकल लेगा, तो क्या बन गया, ये बन गया, लेकिन सुनो ध्यान से, ये हेमी एसिटल इट इज अनस्टेबल इन एसिड एंड बेस, दोनों में ही अनस्टेबल होता है, देखो ध्यान से, दोनों में अनस्टेबल कैसे होता है, अगर बेस से रिएक्शन करा दी आपने इसकी, सुन लो ध्यान से, अगर इसकी रिएक्शन आपने बेस से करा ली, ये बेस डाल दिया, तो बेटा बेस क्या करेगा, एच प्लस को हटाएगा, एच प्लस को हटाएगा तो क्या बनेगा, आर ओ माइनस एच और ओ आर डैश, सुनो हमने पहले करते आ रहे हैं, ये बॉन्ड बनाएगा आर ओ माइनस आई निकल लेगा, क्या बन गया वापस एल्डिहाइड, तो हेमी एसिटल एसिड और बेस दोनों में अनस्टेबल होता है, बेस में क्यों अनस्टेबल है समझ में आ गया आपको, बेस एच हटाएगा यहां से, ओ माइनस आएगा,
सी डबल बॉन्डो बनाने के लिए ओ सी एच थ्री निकल जाएगा लिविंग ग्रुप में। हाँ, इसकी लिविंग पावर सीएल से बीआर से इनसे कम होती है, लेकिन फिर भी सीओ बॉन्ड बनने के लिए ओ आर निकलता है, वापस ही आ जाएगा। ठीक है, अगर सुनो ध्यान से आगे, अगर ये एक्सेस अमाउंट में है अल्कोहल और एसिड की प्रेजेंस है, तो एच प्लस आयन फिर ओएच पे जाके अटैक करेगा। है ना, अब अल्कोहल क्या करेगा, आर ओ एच आर डैश ओ एच, ये यहां अटैक करेगा, ये निकल जाएगा। भाई इसकी तो निकलने की टेंडेंसी है, ऊपर प्लस चार्ज आ गया, ये निकलेगा यहां पॉजिटिव आएगा और आर ओ एच जाकर यहां पर अटैक कर जाएगा, तो क्या बन गया है, आर सी ओ आर डैश एच प्लस ओ आर डैश और एच। अब यहां से एच निकल लिया तो ये बना आर सी ओ आर डैश एच और ओ आर डैश, इसको बोलेंगे बेटा एसीटल, दिस इज एसीटल। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी, आईआईटी के लिए भी, मेडिकल के लिए भी। ठीक है, देख लो पूरी मैकेनिज्म। अब इस तरह की मैकेनिज्म बार बार करते आ रहे हैं यार, अब भी अगर समझ में नहीं आए तब फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और अभी नंबर आप कम लेकर आते हो तो बड़ा दुख होता है मुझे, कि मैं आप पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आपको सारे डीपीपी दे रहा हूँ और डीपीपी से रिलेटेड ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बाद भी गलतियाँ कर रहे हो आप लोग। जो नोट्स में पढ़ा चुका उसी तरह के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, फिर भी आप गलती कर रहे हो केमिस्ट्री में, कितनी गलत बात है। ठीक है, ये क्या बन गया, एसिटल बन गया। देखो ये था बेटा हैमी एसिटल, अगर एल्कोहल एक्सेस अमाउंट में होगा, एसिड की प्रेजेंस होगी, तो यहां से एच प्लस आन लगेगा, एच टू निकलेगा, फिर एल्कोहल यहां अटैक कर जाएगा, फिर यहां से एच निकल जाएगा, पूरी मैकेनिज्म करी है मैंने टोटल। ठीक है, ये बन गया क्या, एसिटल। अब देखो एसिटल जो होगा बेस में डालोगे तो स्टेबल रहेगा, क्योंकि अब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है कि रिएक्शन वापस चली जाए, बेस में डालोगे तो क्या रहेगा, ये स्टेबल रहेगा। हाँ, एसिड में एच प्लस आयन लगाओगे, डाइल्यूट एचसीएल डालोगे, तब हटके पहुंच जाएगा उधर ही, लेकिन बेस में स्टेबल रहेगा। ये बताओ ये समझ में आया नहीं आया, यस और नो लिखो, क्लियर हुआ बेटा ये, यस और नो बताओ सबको। ठीक है, चलो दो तीन एग्जाम्पल करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल ज्यादा करने पड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अलग अलग टाइप के बड़े बड़े एग्जाम्पल लेके हम इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। देखो अब हम कीटोन लेते हैं, करके दिखाओ, रिएक्शन सी एच थ्री ओ एच एक्सेस अमाउंट और एसिड की प्रेजेंस, बनाओ क्या बनेगा। सर रिएक्शन में इतना कुछ क्यों हो रहा है, इतना कुछ क्यों हो रहा है, डायरेक्ट लिख लो, मैं डायरेक्ट हटा देता तो तुम्हें लगता कुछ नहीं हुआ, पर पूरी मैकेनिज्म बता रहा हूं तो लग रहा है कि बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ नहीं हो रहा, दो ही मोल तो अटैक कर रहे हैं इसके। देखो फिर मैकेनिज्म देखो इसकी, आ एच प्लस यहां लगेगा बेटा, आर सी एच प्लस ये आर, फिर क्या होगा, सी एच थ्री एच जाके अटैक कर जाएगा, लिखो मेरे साथ साथ करो मैकेनिज्म पूरी, आर सी ओ एच आर ओ सी एच थ्री एच। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, एच प्लस आयन यहां से निकलेगा, ठीक है, फिर से इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, चलो बाद में करा लेंगे प्रोटोनेशन, पहले H प्लस आयन को निकाल देते हैं, है ना, यहां से ये क्या बन गया, ओ सी एच थ्री, फिर H प्लस आयन ओ एच पे जाके अटैक कर जाएगा, ओ एच एच प्लस आर ओ सी एच थ्री। अब ये तो एक्सेस अमाउंट में, तो ये बॉन्ड टूटेगा, देखो यहां प्लस आएगा और ओ सी एच थ्री अपने लोन पे इसको देगा, तो क्या बन गया, आर ओ सी एच थ्री एच प्लस आर ओ सी एच थ्री। ठीक है, ये एच अब निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन छोड़कर, आर ओ सी एच थ्री आर ओ सी एच थ्री। ठीक है, एसिटल बन गया, ये एसिटल और ये क्या था, हेमी एसिटल, इसको ये भी बोलते हैं बेटा हेमी, ये क्या बना, हेमिकीटल, हेमिकीटल, हेमी एसिटल ही बोल दो, हेमिकीटल, कीटोन से बन रहा है हेमिकीटल। अब सुनो ध्यान से, हेमिकीटल जो है बेस में स्टेबल रहेगा या अनस्टेबल रहेगा,
तो ये भी अनस्टेबल ही होता है। एच हटेगा ओ माइनस, ये बॉन्ड बनाएगा ओ सी एच सी निकल जाएगा, तो ये भी बेस में क्या है अनस्टेबल, एसिड में भी अनस्टेबल है, एसिड की प्रेजेंस में क्या बन गया देखो ये आगे। अब देखो यहां ध्यान से, अगर इसमें बेस डालोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कीटल भी, कीटल भी बोल सकते हैं, एसिटल भी बोल सकते हैं, वैसे कीटोन से बन रहा है तो कीटल, तो ये बेस में क्या होगा, ये भी स्टेबल है, ठीक है। हाँ, इसकी हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो वापस ये बन जाएगा एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अगर इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दें हम, ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस डाइल्यूट HCl H3O+, तो यही बनेगा। देखो यहां पर OH, यहां भी OH आ जाएगा, एक कार्बन पर दो OH नहीं टिक सकते, पानी निकल गया बन जाएगा। हाइड्रोलिसिस करोगे तो यही बन जाएगा, ठीक है, लेकिन बेस लोगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस बेस लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेस में ये स्टेबल रहेगा, नोट कर लो, ठीक है। आगे देखो बेटा, ये बताओ जैसे है R CR डबल बॉन्ड O, ये CH2OH, इसकी रिएक्शन ड्राई HCl एसिड ले लिया हमने, तो क्या बनता है बनाओ। देखो इसमें मैं एक ही में दो OH है, यहां पर हमें अलग अलग करना पड़ रहा था ना, इसमें एक ही में दो OH है, पहले एक OH अटैक करेगा, बाद में फिर दूसरा OH अटैक करेगा, तो हम डायरेक्टली लिख लें इसको, ये वाटर निकाल दें तो ये साइक्लिक एसिटल बन जाता है, साइक्लिक एसिटल बन जाता है। देखो ये अगर आप एक्वस HCl से कराओगे रिएक्शन पीछे चली जाएगी, एक्वस HCl रिएक्शन वापस, देखो मैकेनिज्म, H+ लगेगा यहां पर, यहां H+ लगेगा, बॉन्ड टूटेगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, दो OH आएंगे, पानी निकलेगा, वापस ये बन जाएगा ड्राई HCl, साथ में ये ग्लाइकोल, ग्लाइकोल है, ठीक है, तब ये बन गया साइक्लिक एसिटल या साइक्लिक कीटल बोल दो इसको, साइक्लिक कीटल। लेकिन एक्वस HCl लोगे तो रिएक्शन वापस, रिएक्शन वापस, देखो हमारे पास समय है, सारी मैकेनिज्म बार बार करके देख सकते हो ताकि परमानेंट दिमाग में चली जाए, ठीक है। एक्वस HCl तो रिएक्शन वापस, बड़ा यूज होने वाला है इसका, एनसीईआरटी में भी रिएक्शन दे रखी है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में, मैं सारी रिएक्शन एनसीईआरटी वाली ही इलोबरेट कर रहा हूं, उसी को डिटेल में मैकेनिज्म बता रहा हूं जो सिलेबस में है। सर दोनों रिएक्शन में कंपाउंड, देखो ज्यादातर ना उसको एसिडल ही बोल देते हैं, ठीक है, पर किसी किसी बुक में कीटल भी लिखा है, तो कीटोन से बन रहा है तो कीटल और एल्डिहाइड से बन रहा है तो एसिडल, लेकिन जनरली एसिडल ही बोल दिया जाता है। अच्छा इस कंपाउंड का नाम क्या है, ग्लाइकोल है, एसीटोन की रिएक्शन ग्लाइकोल से करा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, साइक्लिक कीटल मिल रहा है, ठीक है। आईपीसी नेम तो आप इसका लिख सकते हो, देखो आगे, अगर इसकी रिएक्शन हम, सुनो ध्यान से, सी डबल बॉन्ड हो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे कराते हैं हम, डाइथायोल से कराते हैं और ड्राई HCl लेते हैं, तो ये बनता है, ये बनेगा R CR S CH2 CH2S, ये बन जाता है। अगर एक्वस HCl लोगे तो वापस ये बन जाएगा एक्वस HCl, वापस ये देखो H2 निकाल दिया इसके अंदर से भी, है ना, इसमें से भी H2 निकाल दिया और ये मिल गया साइक्लिक थायोइथर, साइक्लिक थायोइथर। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर इसकी H2 और रेनी निकल से कराते हो, रेनी निकल तो क्या करता है, इसका रिडक्शन कर देता है, रिडक्शन करके क्या बन जाता है, R C H H C H2 प्लस ये निकल जाता है सी एच टू एस एच और सी एच टू एस एच, ऐसे ध्यान रख लो इसको, H2 रेनी निकल रिडक्शन हो गया बेटा, इसको ध्यान जरूर रखना है, बार बार ही आपका पीछा नहीं छोड़ने का, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ऐसे H H है ना, H2 इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल, ऐसे याद करो, यहां से ब्रेक होगा, एक H यहां पर, एक H यहां पर, ऐसे ये एक H यहां पर, एक H यहां पर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया, सी एच टू आ गया। अब याद करो तीन मेथड हो गए CO को CH2 में कन्वर्ट करने के,
सीओ को सीएच टू में कन्वर्ट करने के, एक कौन सा क्लिमेंशन रिडक्शन डबल एम, क्या होता है जेड एन एच जी एच सी एल, दूसरा क्या होगा बेटा वॉल्फ किशनर रिडक्शन एनएच टू ओ एच माइनस एन, है ना वॉल्फ किशनर रिडक्शन। तीसरा ये पहले इससे रिएक्शन कराई इसकी हमने, ये बन गया ये दो स्टेप में, उसके बाद फिर क्या करा दिया हमने एच टू रेनी निकल तो ये सी एच टू, तो सीओ का सी एच टू में कन्वर्ट करना है, एल्डिहाइड कीटोन के सीओ को सी एच टू में कन्वर्ट करना है। तो अभी हमारे पास तीन मेथड हो गए, एक ही हो गया, एक ही हो गया क्लेमेंसन रिडक्शन, एक ही हो गया और एक क्या होता है रेड फास्फोरस प्लस एच आई, ये ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को कन्वर्ट कर देता है एल्केन में। चार मेथड हो गए, ठीक है बोलो क्लियर है, इससे इसमें कन्वर्ट करने के चार मेथड लर्न कर लो अभी।